कुल्लू जिला में महिला एवं बाल विकास विभाग की द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की गई। उपायुक्त तोरुलेस रवीश ने इस अभियान का शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के जनसमूह को हरी झंडी दिखाते हुए राष्ट्रीय महिला अभियान की शुरुआत की। तोरुलेस रवीश ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 30 सितम्बर तक पोषण माह अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे जिला भर में ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 6000 से अधिक वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ICDS के थ्रू पोषण माह चलाता है और इसमें कुछ एक्टिविटीज जैसे आज आपने देखा एक अवेयरनेस रैली आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू और एक वृक्षारोपण ऑलरेडी जिसमें 6000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं, एक माँ एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंदर। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉम्पोनेंट्स रहेंगे अक्रॉस ऑल अर आंगनवाड़ीज, वी हैव अराउंड 1095 आंगनवाड़ीज इन द डिस्ट्रिक्ट। सभी में हम इन कॉम्पोनेंट्स के थ्रू मदर्स टू बी और जो अभी मदर्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उनको अवेयर कराएंगे। वहीं सिरमौर जिला में भी पोषण अभियान के तहत पोषण माह आयोजित किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी सामाजिक सिरमौर सुनील शर्मा ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि जिला के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को उचित पोषण के बारे में जागरूक किया जाए ताकि महिलाओं और बच्चों में एनीमिया जैसे रोगों को खत्म किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा महिलाओं को सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी इस दौरान दी जा रही है। दूरगामी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पे भी हम छोटे छोटे कार्यक्रम करें। एक दो कार्यक्रम हमारा हो चुका है, अब आने वाले समय में भी हम राजगढ़, सिलाई, पाउंटा, संगड़ा ये सारे दूरगामी जितने भी क्षेत्र होंगे यहाँ का ये पोषण के अंतर्गत कार्यक्रम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा एक महिला शक्ति विंग है मिशन शक्ति के अंतर्गत, तो महिलाओं संबंधी सरकार की क्या योजनाएं हैं और कैसे महिलाओं को सक्षम करेंगे, छोटे बच्चों को सक्षम करेंगे, पोषण के बारे में कैसे वो अच्छे ढंग से रह पाएँ, प्राप्त करें अच्छा पोषण, और सामाजिक रूप से भी उनकी जो उनका कहीं शोषण ना हो या वो एक सशक्त जिंदगी अपनी बना सकें, इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा।